यूपी चुनाव में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुमलेबाजी का दौर जारी है। इस बीच कन्नौज से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने शनिवार को अमित शाह के कसाब बयान पर पलटवार करते हुए इसका नया मतलब बताया है। उन्होंने कसाब के क को कंप्यूटर, स को स्मार्टफोन और ब से बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं नाम दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी चीफ अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीएसपी के लिए संयुक्त रूप से कसाब शब्द का जिक्र किया था। कसाब, हम लोग पाछा छोटे बच्चे से क्या पढ़ते हैं, सब बच्चे कहाँ से यहाँ बच्चे बैठे, आप इनसे पूछ लीजिए क से कबूतर होता है कि नहीं। लेकिन अखिलेश भैया ने परिभाषा बदली है क से, और मैं समझती हूँ क से कंप्यूटर सिखाया उन्होंने, स से स्मार्टफोन सिखाने जा रहे हैं, और ब से हमारी बहनों को प्रेशर कुकर तो देंगे ही सीटी बजाने के लिए, साथ ही किराया मुफ्त, आधा किराया सरकारी बसों में बहनों के लिए मुफ्त। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने भी पलटवार करते हुए कसाब का मतलब बताया था। बीएसपी ने सीधे तौर पर अमित शाह को ही कसाब बुला डाला। पार्टी चीफ मायावती ने गुरुवार को चुनावी रैली के दौरान कहा था, पूरा देश जानता है कि अमित शाह से बड़ा कसाब यानी आतंकी कोई और नहीं है। अब इसे किस तरह की राजनीति कहें कि जिसको देश आतंकी मानता है आज उसी के नाम पर वोटों की राजनीति हो रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।